गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन 14 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसको लेकर अब तक कुल 17 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिला किया है। वहीं 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दोबारा दाखिल किया है। गोरखपुर के इस उपचुनाव में माँ और बेटा भी आमने सामने आ गए हैं। मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र दत्त शुक्ल, कांग्रेस से डॉक्टर सुरीता करीम के अलावा बहुजन मुक्ति पार्टी से अवधेश कुमार निषाद, समाजवादी पार्टी से रामनगीना साहनी, निर्दल प्रत्याशी के रूप में अच्छेलाल गुप्ता, पूनम विश्वकर्मा, जयप्रकाश गुप्ता, विजय कुमार राय, नरेंद्र कुमार महता, अरुण कुमार, अशोक मालती निषाद, श्रवण कुमार निषाद और भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी के शैलेश कुमार शामिल थे। वहीं समाजवादी पार्टी से प्रवीण निषाद और सर्वोदय भारत पार्टी के गिरीश नारायण पांडे ने दोबारा नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके पहले समाजवादी पार्टी के प्रवीण निषाद, सर्वोदय भारत पार्टी से गिरीश नारायण पांडे और निर्दल राधेश्याम सेहरा नामांकन कर चुके थे। आज के नामांकन में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद की माता निर्मलाल निषाद और उनके भाई श्रवण निषाद भी नामांकन किए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नामांकन के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रत्याशियों ने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए बताया, तो क्या उम्मीद है कि बस आइए आइए कहाँ पे है भाई। देखिए सबसे जो जरूरी मुद्दा है गोरखपुर के लिए वो ये है कि गोरखपुर के विकास की रफ्तार तेज हो। गोरखपुर में विकास की उम्मीद करके लोगों ने केंद्र में सरकार को और प्रदेश में सरकार को चुना है, लेकिन गोरखपुर की जनता चली जा रही है। अभी तक विकास का कोई ठोस कदम उठाया हुआ दिख नहीं रहा है। दूसरा जो गंभीर मुद्दा है जिसकी वजह से गोरखपुर नेशनल ही नहीं केवल इंटरनेशनल मीडिया में जाना जा रहा है, वो है इनकेफ्लाइटिस से जो बच्चों की मौतें हो रही हैं, माताओं की गोदें सूनी हो रही हैं। तो उस मुद्दे को प्राथमिक तौर पे उठाने के लिए मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा पेशे से मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ,
और गोरखपुर के एनकेफेलाइटिस के मुद्दे को पिछले 30 साल से देख रही हूँ, किस तरह से ये गंभीर से गंभीरतम होता जा रहा है और सरकारों द्वारा उस पर प्रॉपर रवैया नहीं उठाया जा रहा है, प्रॉपर कदम नहीं उठाया जा रहा है। एनकेफेलाइटिस को नेशनल प्रोग्राम में ला के उस पर एक ठोस रणनीति बना के उसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देना, यही हमारा प्राथमिक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है कि एक महिला को उतार के हमारे हाईकमांड ने यह संदेश दिया है कि महिलाओं को वो इज्जत देती है। महिलाओं का 33% का जो आरक्षण का बिल है जो अभी तक अधर में लटका हुआ है, संसद में पास नहीं होने दे रहे हैं सरकारें, तो उस बिल को पास कराना, उसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देना, यही एक मुद्दे है जिसके द्वारा हमारी पूर्वांचल की महिलाएं जो कि बहुत कमजोर हैं आर्थिक और शारीरिक रूप से, उन सबको स्वस्थ गोरखपुर, सुंदर गोरखपुर बना के और हमको एक ऐसा उदाहरण पेश करना है जिसमें कि गोरखपुर की छवि जो इतना बड़ा दाग लग गया है इनके प्लेट वो सुधरे। डॉक्टर साहब, धर्मेंद्र जी, डॉक्टर साहब, सांसद जी करीब आइए, सांसद जी नहीं आ रहा। आइए आइए चलिए 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 जो योगी आदित्यनाथ जी का जो विकास का कार्य है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की योजना है, जो उनके सरकार की उपलब्धियां हैं, जो नीतियां हैं, 10.5 महीने में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर को जितना बड़ा विकास का उपहार दिया, वही मेरी पूंजी है, वही मेरी ताकत है, उसके बल पे मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या मुख्य मुद्दे हैं शहर में जिसके लिए आप संघर्ष कर सकते हैं? अधिकांश मुद्दों का तो समाधान पूज्य योगी जी ने करने का प्रयास किया है, आगे जो और विषय आएंगे वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके समक्ष ले जाऊंगा। इस शहर का, इस लोकसभा का, इस जनपद का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए उनके नेतृत्व में मैं काम करूंगा। उन्होंने जो विकास का बागीचा लगाया है उसमें मैं एक माली बनकर के उसे सींचूंगा और एक चौकीदार बनकर के गोरखपुर की जनता की रखवाली करूंगा और जो भी समस्याएं आएंगी योगी जी और मोदी जी तक पहुंचा करके उसका समाधान करूंगा। सुरेता जी बहुत बहुत मुबारक। अरे तिवारी जी धूप में आइए, धूप में।
करिए, महिलाओं को आगे करिए। नहीं रह पाएगा कह रहा, नहीं अभी ले लेंगे, आप तो हमारे पुराने हैं, तभी तो कह रहे हैं आप लोग एकजुट होके आएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए जाइए, आप जाइए। क्या आपका? विजय कुमार राय। कौन सी पार्टी का? राय लेजर। आइए आइए, फोटो बनाएंगे। क्या थोड़ा जगैया एडजस्ट किया था गुप्ता, इधर देखिए, वाह नहीं भरे थे पहले। माना लेके आ गया तू, तो क्या हुआ बेटा भाई? सर मुद्दा हमारा ये है कि आज योगी जी को हम लोगों ने वोट दिया और योगी जी वादा किए थे कि हम मछुआरों को और निषादों को जितने पिछड़ी जातियां हैं उन सबों को आरक्षण देंगे, पढ़ाई लिखाई में सुविधा, नौकरी चाकरी में सुविधा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं आप लोगों को। तो आपके पुत्र भी प्रत्याशी हैं सपा से, तो क्या कहेंगे? जी सर पुत्र हैं लेकिन हम निर्दल पर्चा दाखिल कर रहे हैं, बाप माँ बेटे से क्या हुआ, लड़ाई में माँ बेटा थोड़ी देखा जाता है। तो लड़ाई तो है, एक ही घर माँ बेटा नहीं देखा जाता, पार्टी से और आप निर्दल लड़ रहे हैं चुनाव, मुद्दे उनके भी अलग होंगे और आपके भी अलग होंगे। इधर आयनी सुरुखिया समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ, अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी से हमने दाखिल किया है। तो क्या मुख्य मुद्दे होंगे आपके इस चुनाव में? मुख्य मुद्दे तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ पर केवल योगी जी और बीजेपी सरकार के रिएक्शन में यहाँ के लोग सरकार बदलना चाहते हैं, तो यहाँ तो विकास के लिए आप देख रहे हैं इंसेफ्लाइटिस। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी हैं, अभी पिछली बार आपने देखा 50 बच्चे मारे गए इंसेफ्लाइटिस वार्ड में मेडिकल कॉलेज की लापरवाही से। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अपना लोकसभा क्षेत्र था, अपना जिला है, उन्होंने मरे हुए बच्चों के परिवार को कुछ नहीं दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद पार्टी कोष से अपने कोष से उन्होंने सारे मरे हुए बच्चों के परिवार को 2-2 लाख रुपया देने का काम किया था। तो यहाँ तो सब कुछ स्पष्ट है, 55 लाख समाजवादी पेंशन इस सरकार ने बंद कर दिया, वो 55 लाख पेंशन गाँव के गरीब महिलाओं को जाता था, आज उन लोगों से जाकर के पूछिए वो लोग भी साफ दे रही हैं योगी जी को। एक व्यक्ति और प्रत्याशी आपका पार्टी से पर्चा दाखिला किया, उसके बावजूद आप पर्चा दाखिला किए, तो क्या पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने समाजवादी पार्टी से दाखिल किया, पार्टी का जो आदेश निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। तो क्या आदेश पहले से कुछ मिला था आपसे, पार्टी हाईकमान से कोई बात हुई थी? लोगों ने भी टिकट मांगा था, उस क्रम में हमने दाखिल कर दिया है, बाकी जो आदेश निर्देश होगा अभी तो बाकी शेष जो फॉर्मेलिटीज हैं वो बचे हुए हैं, पार्टी के आदेशों का पालन किया जाएगा।